Assalamualaikum guys, I hope आप ठीक ठाक होंगे. Welcome to Nainam Cuisine. आज हम बनाएंगे चिकन जलफरेजी. बहुत इजी है बनाने में और बहुत टेस्टी बनती है. चलें इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं. चलें स्टार्ट करते हैं. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. टेबलस्पून हम ऑयल डालेंगे. फ्लेम जो है वो आपका हाई होना चाहिए. अब हम इसमें चिकन डालेंगे. चिकन को हम अच्छी तरह से जो है वो हिला लेंगे. अब हम इसके अंदर जो हमने लहसुन चॉप किया हुआ था वो डालेंगे. हमने चिकन का जो है वो कलर चेंज करना है. तकरीबन 2 से 3 मिनट लगेंगे इसका कलर चेंज करते हुए. तो चलें कलर चेंज करते हैं. 2 से 3 मिनट हमें हो गए हैं. जैसे कि आप देख रहे हैं कलर जो है वो चिकन का चेंज हो चुका है. अब जो है वो इसमें हम मसाले डालेंगे. सबसे पहले हम इसमें ब्लैक पेपर डालेंगे, सूखा धनिया, जीरा पाउडर डालेंगे, लाल मिर्च, नमक, शुगर और हल्दी. अब आपने सारे मसालों को चिकन के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है. आपने जो है वो कॉन्स्टेंटली चमचा जो है वो इसमें लगाते रहना है ताकि मसाला या चिकन जो है वो नीचे ना लगे, क्योंकि हमने मसाले को भूनना है, हमने उसको बिल्कुल भी जलाना नहीं है. और अगर आपको लग रहा है कि मसाला जो है या चिकन जो है वो नीचे लग रही है तो आप जो है 1 टेबल स्पून जो है वो इसमें पानी डाल दीजिए. कल का उसको अच्छी तरह से भूनते जाइए. जैसे कि मुझे लग रहा है कि मेरा मसाला नीचे लग रहा है तो मैं 1 टेबल स्पून पानी डालूंगी इसको और अच्छी तरह से मसाले को भूनूंगी. हमें तकरीबन 2 से 3 मिनट हो गए हैं इसको भूनते हुए. चिकन जो है वो मसाले के साथ अच्छी तरह से भून गया है. अब हम चिकन को बाहर निकाल लेंगे. अब जो है वो हम चिकन के लिए सॉस और वेजिटेबल्स को जो है वो तैयार करेंगे. तो आप बर्तन ले लीजिए जिसमें भी आप कंफर्टेबल हैं बनाने में. जैसे कि आपको याद होगा हमने इनिशियली 2 टेबल स्पून ऑयल डाला था. अब जो रिमेनिंग ऑयल रह गया है वो आप इसमें डालेंगे. हम इसमें जो है वो प्याज डालेंगे और उसको हम प्याजों को थोड़ा सा सौते कर लेंगे. हमें वेजिटेबल्स जो है वो सौगी बिल्कुल भी नहीं चाहिए. बिल्कुल खड़े खड़े जैसे वेजिटेबल्स होते हैं वो चाहिए हमें. तो हमें वेजिटेबल्स जो है वो बहुत कम सौते करना है. आपका जो फ्लेम है वो हाई होना चाहिए. हर वेजिटेबल को आपने ऑलमोस्ट 20-30 सेकेंड जो है वो सौते करना है. अब हम इसके अंदर डालेंगे कैप्सिकम. शिमला मिर्च को प्याजों के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और उसको सौते करेंगे थोड़ी देर. हमें कैप्सिकम को जो है वो सौते करते हुए तकरीबन 40-50 सेकेंड हो गए हैं. अब हम इसके अंदर सोया सॉस डालेंगे. इसके अंदर जो है वो अब आप केचप डालेंगे. अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए सब चीज़ों को. 1 से 2 मिनट जो है वो हम सब चीज़ों को पकाएंगे ताकि जो केचप का एक अपना जो मीठा बने है वो ख़त्म हो जाए. 2 मिनट हमें हो चुके हैं. अब हम इसके अंदर चिकन डाल देंगे और उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे. अच्छा, मुझे इस पॉइंट पे लग रहा है कि ये नीचे लग रहा है तो मैं इसके अंदर 1 टेबल स्पून पानी डाल दूंगी ताकि मसाला जो है वो नीचे ना लगे. अब आप इसके अंदर टमाटर डाल दीजिए और अच्छी तरह से मिक्स कर लें. वाइट राइस के साथ ये बहुत टेस्टी लगता है. अगर आपने मेरी वाइट राइस की रेसिपी नहीं देखी तो मैं आपको ऊपर लिंक देती हूँ, आप काइंडली देखिए. बहुत ईजी है बनाने में. 1 टेबल स्पून जो है वो मज़ीद इसमें पानी डालेंगे और इसको ऑलमोस्ट 1-2 मिनट्स हम इसको पकाएंगे ताकि जो हमने टमाटर अभी डाले हैं वो सॉफ्ट हो जाएँ थोड़े से. अगर आपको बीच में लगे कि आपका मसाला जो है वो नीचे लग रहा है तो आप उसके अंदर 1 टेबल स्पून मज़ीद पानी डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है. चले हमें 2 से 3 मिनट हो गए हैं इसको पकाते हुए. अब आप चूल्हा बंद कर दीजिए. अब ये तैयार है. चलें लेट्स सर्व इट. टेस्टी है ना? काइंडली लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स. आई होप मेरी ये रेसिपी आपको बहुत ईजी लगी होगी. प्लीज़ डू ट्राई, आपको बहुत पसंद आएगी. चलें अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा. इंशाल्लाह फिर आऊँगी नई और बहुत आसान रेसिपी के साथ. अल्लाह हाफिज़.